डिलीवर की साइड होते हैं। संसार क्रांति न्यूज की टीम आज पहुंची है नगर सफेदो नगर के सैनी चौपाल में। यहां एक कार्यक्रम रखा गया आज महिला समानता दिवस के, सभी महिलाओं को एक समान बनाने का जो प्रयास किया गया है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा है। आइए हम गीतांजलि शर्मा है इनका नाम, इनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पहुंची है मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को लेके, क्या इनका उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और क्या ये मुख्य अपनी जो योजनाएँ वो लेके आई है सफेदो में। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि शर्मा है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर हूँ और उसके साथ में मैं सुप्रीमो के साथ में मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हूँ। इससे पहले कि मैं किसी गवर्नमेंट में भी जॉब करती थी और जिससे मैंने अभी रिजाइन नहीं किया, मैं यहाँ पे साथ ही कुछ क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स में थी उसके वजह से मैंने साफ को ज्वाइन किया और साफ को ज्वाइन करने के बाद में अब मैं इसमें एज अ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हूँ जब तक सुप्रीमो उसका कार्य करने को देंगे। गीतांजलि जी, आपको राजकुमार सैनी में ऐसी क्या विशेषता लगी या उनकी पार्टी में ऐसी क्या बातें आपको अच्छी लगी जो आपने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को ज्वाइन किया? क्योंकि मैं पहले से ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल में ऑलरेडी थी जिसके वजह से मेरे जो ये मुद्दे हैं ये ह्यूमन राइट्स के हैं। ये जो महिलाएं हैं जो ये होम हैं जो ये लोग हैं इन लोगों को जो सफ़र किया है वो ऐसी चीज़ें जो साफ ले लिया वो सारे ह्यूमन राइट्स के हैं जिसके कारण मेरे को मजबूर हो गए उनकी इस चीज़ों को सुन के समझ के दिल को लगे कि नहीं मुझे इनके साथ चलना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं इससे पहले भी मैं बहुत बड़ी कार्यकर्ता रही हूँ। मैं दिल्ली में 4500 जितने ओल्ड पीपल हैं उन लोगों का मैं टेक केयर करती हूँ, उनको मैं संभालती हूँ और उनके साथ उनका सारा मेडिकल ऑल मैं उनका टेक केयर करती हूँ। गीतांजलि, जैसा कि आपने बताया कि आपने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने आपको महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इस पद को लेके आप किस तरह के कार्य करना चाहेंगी और समाज में इस पद का किस तरह से प्रयोग करेगा? नहीं, ये जो पद दिया गया है ये पद साहब ने कुछ सोच के दिया, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं तभी सक्सेसफुल हो सकती हूँ जब ये सारी महिलाएं जो सम्मानित हैं ये मेरा साथ देंगी। अब इनके बिना मेरा कुछ नहीं है, ये पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो मायने रखता है जो जो ये महिलाएं हैं। हर महिलाओं की अगर मैं ज़िंदगी में खुशियाँ दूँ तो वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं इन लोगों को रोज़गार में डालना चाहती हूँ, मैं इन लोगों को समर्थ बनाना चाहती हूँ कि किसी पे मैं डिपेंड नहीं हूँ और अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लोग भी काम करें और काम करके ये लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें और हमारे बच्चे हरियाणा के पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में राज करें और वो भी एक ऐसे समाज में ऐसे समानता से जैसे कि सब लोग एक हैं। इन बच्चों को ये देखा ना जाए कि ये बच्चे छोटी जाति हैं या बड़ी जाति है, हमारे लिए ये सब कुछ। गीतांजलि, जैसा कि आपका हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस की कई धड़ों में बची हुई है, इनेलो की आपसी जो परिवार की जग जाहिर हो चुके हैं और वहीं अभी भी जींद से जो इनेलो के एक डॉक्टर बीटा जी का देहांत हुआ है 2-2.5 महीने पहले, उनके बेटे की अब भाजपा में शामिल है, पूरे राजनीति जो समीकरण बन रहा है हरियाणा में, इस पूरे समीकरण को हरियाणा की राजनीति का समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो मुद्दे मेरे साथ के हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जो सबको मजबूर कर देगा हमारे यहाँ आने को और झुकने के लिए। और जो ये पूरा समाज बिखरा हुआ है, जब इलेक्शन आता है तो हमारे आसपास तो लोग आएंगे और आएंगे भी और बोलोगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान उन सब को एकता करे, बुद्धि दे और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके अपना घर ना तोड़कर हमारे समाज में जिस लिए ये राजनीति होती है उस पर ध्यान देंगे, उसको अच्छा बनाए। कोई भी इंसान गलत नहीं होता, हर आदमी अच्छा होता है, सिर्फ उसका देखने का नज़रिया गलत हो सकता है। तो हम अगर सब लोग प्रेम से करेंगे तो अच्छा है,
हर पार्टी के लोग अच्छे हैं, कोई भी नहीं, लेकिन जो सैनी सर हैं, सैनी सर के जो मुद्दे हैं वो हर को तोड़ रहा है। अंदर अंदर से वो घबरा भी रहे हैं, क्योंकि उनका कारण है कि जो हमारे साहब हैं वो सच के लिए लड़ रहे हैं। गीतांजलि, क्या आपको लगता है इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिनके मुखिया राजकुमार सैनी है, सांसद है फिलहाल, क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या लगता है? मेरे को 101% भरोसा है और मुझे मालूम है कि अगर सीएम बनेंगे तो वो राजकुमार सैनी ही बनेंगे। उसका कारण है कि राजकुमार सैनी को सीएम नहीं चाहिए। आप लोग सब लोग उनको गलत समझ के सीएम में दुखा रहे हैं। राजकुमार सैनी को अपने समाज को ऊपर उठाना है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। सीएम क्या है, वो तो अभी एमपी है ही है। एमपी तो कोई भी कभी भी सीएम बन सकता है। आपने कह रहे हैं क्या मतलब कि ये राजकुमार सांसद सैनी जो एक विशेष समुदाय के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? नहीं, सबके लिए, क्योंकि वो समानता के लिए लड़ रहे हैं। समानता में तो सब समूह आ रहा है। समानता में सिर्फ कोई हमारा सैनी तो नहीं आ रहा, उसमें ब्राह्मण भी आ रहे हैं, जाट भी आ रहे हैं, ठाकुर भी आ रहे हैं, हर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सांसद साहब सिर्फ इस जो हमारा हरियाणा है इसको एक खूबसूरत पॉजिटिव लेके जाना चाह रहे हैं, उनको समझिए। गीतांजलि, 2016 में हरियाणा में जो आरक्षण को लेके आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, लूटपाट हुई थी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो सिर्फ सबसे पहले मेरे सांसद साहब ही आए थे और तो कोई आए नहीं। सब लोग तो पार्लियामेंट में बहुत मजे से बातें कर रहे थे, अपनी चीत कर रहे थे। उस वक्त आ जाते, आगे हमारे सामने खड़े हो जाते, क्यों नहीं खड़े हुए? आज राजकुमार सैनी साहब के साथ लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने उनके उस दुख के टाइम में उनके साथ खड़े हुए थे। वो अपनी जान को हथेली में लेकर आए थे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरा परिवार क्या करेगा, उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेरा नाम, मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा, नहीं, उनको हर जगह जाके रोका गया। जब वो जाते हैं वहाँ पे कभी उन पर आक्रमण करते हैं, कभी उनको ये कहते हैं कि राजकुमार सैनी यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर आपके एरिया के सब और लोग आते हैं तो हम तो नहीं कभी मना करते वो यहाँ ना आए, वो वहाँ ना आए। भारत हमारा है, हम कहीं भी जाएंगे, हाँ, और हमारे साथ भी जाएंगे। हमारे साथ ने सबके लिए अच्छा सोचा है और वो सीएम बन के रहेंगे, ये मेरा दावा है और ये करके दिखाएंगे। तो ये थी हमारे साथ गीतांजलि शर्मा, लोकतंत्र शिक्षा पार्टी के जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले 2019 के चुनाव में राजकुमार सांसद सैनी सभी बिरादरियों के साथ इकट्ठा लेकर हरियाणा के भावी अगले मुख्यमंत्रियों के। मैं संसार क्रांति न्यूज चैनल सफेदों से अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव के साथ। सफ़र कर रहे हो, जिसके वजह राजकुमार सैनी सर ने आप लोगों का मुद्दा उठाया है और अपने आप को, अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर अपने को पिछले 4 साल से आप लोगों की तरफ अर्पित कर रखा है। उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजकुमार सैनी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, एक बहुत अच्छे कारोबार हैं, एक बहुत अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनका नाम है, लेकिन उनके पास भी दुनिया का सब सुख है, लेकिन उसके बाद भी वो सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं एक सैनी जब अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा ये जो जीवन है वो असमर्थ है, उसके लिए मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जब अपने देश के लिए या मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। हालांकि वो सिर्फ आप लोगों के लिए जी रहे हैं, आप लोगों को वो अधिकार देने चाहते हैं जो अधिकार के आप हक है, जो आपसे लोगों से छीना गया है। मेरे को कुछ ज़्यादा बातें तो आप लोगों के इधर की नहीं पता, लेकिन जो जो साहब बोलते हैं वही वही मैं भी उसको समझ समझ के आप लोगों को बोल रही हूँ। लेकिन मेरा आप लोगों से जो कहना है वो ये कहना है कि आप लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे कृपया करके काम करते रहें। उसका कारण ये है कि अगर, क्योंकि आप लोगों का काम को हर्ज नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आप लोगों को अपने घर में सिर्फ आधा घंटा राजकुमार सैनी सर के लिए निकालना है। उसमें क्या करना है, अपने घर में आ जाओ और लेकर अपनी सबकी
आओ और वहाँ पे बातें करो, उसके घर में चाय पियो और अपनी सब्जी काटो और जहाँ पर भी जाते हो घर में जाके छोको। अगर बहू हैं तो सास की डांटनी पड़ेगी, ससुर को सही टाइम पे खाना मिलेगा, आपका जो उद्योग है वो सही चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि कैंपेनिंग करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, रात को देर में आना, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको जो करना है वो एक ही चीज़ करना है, जिस दिन इलेक्शन है चुपचाप वहाँ पर जाके राजकुमार सैनी सर को, आप लोगों को सिर्फ अपना अंगूठा चलाना है या उंगली लगानी है, जो भी होता है वो आप वहाँ पे उनको वोट दीजिए।